अभी सरकार ने तीन कानूनों को खत्म किया, आप लोगों को पता होगा, तीन, इंडियन पिनल कोड 1860 का, 1872 का एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इन तीन कानूनों को खत्म करके नया कानून आया। मतलब आपके पास 500 गज का प्लॉट था, जो पुरानी बिल्डिंग थी उसको डिमोलिश करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब उस पर कौन सा घर बने, कैसा घर बने, इसके लिए जरूरत यह है कि आसपास के सबके घर देखे जाए। ऐसा कभी घर में, अपने घर में घर बनाते तो ऐसे करते हैं ना, आसपास के सबके अच्छे घर देख लेते हैं, जिसका ड्राइंग रूम अच्छा लगता है उसकी नकल कर लेते हैं, जिसका बेडरूम अच्छा लगा उसकी नकल किया, जिसका मंदिर अच्छा लगा उसकी नकल कर लिया। तो मैंने जो अभी स्टैंडिंग कमेटी बनी है उसमें मेरा अभी प्रेजेंटेशन तो नहीं हुआ, यूनिफॉर्म सिविल कोड में अपना प्रेजेंटेशन मैंने दे दिया था, जो मेरा मैटर भी पेंडिंग है। लेकिन हमारी एक पीआईएल है, आप गूगल करिएगा, वन नेशन वन पिनल कोड, सुप्रीम कोर्ट में मैंने ये कहा था। जरा वो नीली वाली किताब जैसे हमारे देश में इंडियन पिनल कोड है ना, ऐसे ही अमेरिका में फेडरल पिनल कोड है। बच्चों को दिख रहा है पीछे? हाँ, फेडरल पिनल कोड। डिफरेंस क्या है भारत के कानून और अमेरिका के कानून में? फेडरल पिनल कोड में 123 चैप्टर है, 123 चैप्टर है, और भारत के एग्जिस्टिंग इंडियन पिनल कोड में केवल 23 चैप्टर है। मतलब भारत में 23 चैप्टर और अमेरिका में 123 चैप्टर, जबकि अमेरिका में क्राइम भी कम है, पॉपुलेशन भी कम है। अमेरिका में फेडरल पिनल कोड में उन्होंने क्या किया कि भ्रष्टाचार और अपराध के लिए अलग से कोई कानूनी नहीं है, इसी में चैप्टर के हिसाब से डालते चले गए। यानी घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, घुसपैठ, धर्मांतरण, ये वो सब इसी में डाल दिया। और आपको जान के आश्चर्य होगा, आज तक मैंने कभी बोला नहीं था, लेकिन चूंकि आज यूनिवर्सिटी है, अमेरिका में एक खतना करने पे भी सजा है। वो खतना को कुरीति मानते हैं, वो क्रुएल्टी मानते हैं। उनका मानना है कि जो खतना है ये बच्चों के साथ क्रुएल्टी की जा रही है, इसलिए खतना करने में भी फेडरल पिनल कोड में 5 से 10 साल की सजा है। तो उन्होंने क्या किया, वन नेशन वन पिनल कोड बनाया है। इसी कॉन्सेप्ट पे मैंने भी ये कहा है कि भारत में भी वन नेशन वन पिनल कोड बनाइए, नाम उसका भारतीय न्याय संहिता हो, भारतीय दंड संहिता हो, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, वो सरकार तय करे, लेकिन कानून एक बनाइए। ये जो 50 कानूनों का मकर जाल फैला हुआ है, घूसखोरी का अलग, जमाखोरी का अलग, मिलावटखोरी का अलग, कालाबाजारी का अलग, नशा तस्करी का अलग, मानव तस्करी, इतने कानून है कि बेचारा उस हवलदार कहां से पढ़ेगा। जो अल्टीमेटली न्याय की शुरुआत कहां से होती है, थाने से होती है। आपकी शिकायत को कौन पढ़ता है, हवलदार? एफआईआर हवलदार लिखता है, वो हवलदार कितना पास है, 12वीं पास है। आपके शिकायत पे जांच कौन करता है, सब इंस्पेक्टर, वो कितना पास है, बीए पास है। तो न एफआईआर लिखने वाला ला ग्रेजुएट, न जांच करने वाला ला ग्रेजुएट, लेकिन उस एफआईआर को और उस चार्जशीट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज भी पढ़ेंगे, हाई कोर्ट के सिंगल जज पढ़ेंगे, बाद में हाई कोर्ट के दो जज पढ़ेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट के दो जज पढ़ेंगे, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो सुप्रीम कोर्ट के तीन जज पढ़ेंगे। एफआईआर किसने लिखा, 12वीं पास हवलदार ने, और उसका इंटरप्रिटेशन कौन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के तीन जज, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में पढ़े हुए लोग। इसीलिए बहुत सारे लोग निर्दोष जेल में हैं और दोषी बेल पे हैं। क्यों? क्योंकि 50 कानून चल रहा है। अब पता चला मोबाइल का डेटा हैक हो गया, इंडियन पिनल कोड में तो है ही नहीं, उसके लिए आईटी एक्ट उठाकर पढ़ना पड़ेगा। वो बेचारा, वो हवलदार, उसको दिन भर में 50 तो एफआईआर लिखना है, वो कितनी बार 50 कानून का लगना पड़ेगा। हाँ, अगर एक कानून हो जाए और जब जब वो पढ़ना शुरू करे तो कम से कम इंडेक्स पढ़ता चला जाए, इंडेक्स पढ़ता जाए। तो जैसे ही आपने अपने एक शिकायत दिया, वो शिकायत में देखता कि अच्छा डाटा चोरी हो गया, चैप्टर नंबर 5, और क्या हुआ, मोबाइल भी चोरी हो गया, चैप्टर नंबर 6, और क्या हुआ, मारने की धमकी दिया, चैप्टर नंबर 9, और क्या हुआ था जी, माँ बहन की गाली दिया, चैप्टर नंबर 16। मतलब अगर एक ही किताब है तो हवलदार के लिए भी अच्छा, थानेदार के लिए भी अच्छा, हम वकीलों के लिए भी अच्छा, जज के लिए भी अच्छा, और वास्तव में तब न्याय होगा। अभी न्याय न होने का सबसे बड़ा कारण यही है, घटिया कानूनों का मकरजाल फैला हुआ है। तो वन नेशन वन पिनल कोड हो, उसी में
एक चैप्टर घुसपैठ भी हो, एक चैप्टर धर्मांतरण भी हो। और आपने धर्मांतरण की बात किया, मैंने एक पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट को कि धर्मांतरण को रोका जाए, और मैंने उसमें दलील ये दिया था कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, धर्मांतरण एकता अखंडता के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर 2022 को अपने ऑर्डर में लिख भी दिया कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। जब उन्होंने लिख दिया तो मैंने उसी ऑर्डर को गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर साहब को दिया। कुछ दिन पहले गाजियाबाद में एक धर्मांतरण हुआ था गेम के जरिए, कि बच्चे को गेम खिला के और गेम के जरिए कन्वर्ट किया था, जैन परिवार का बच्चा था। धर्मांतरण के बारे में एक बात चूंकि आप बड़ी संख्या में आए बता दूं, पहले गरीबों का धर्मांतरण हो रहा था, आजकल अपर क्लास का धर्मांतरण हो रहा है, क्योंकि गरीबों के धर्मांतरण कराने में खर्च होता है। और ये मेहता, जैन, मारवाड़ी, अग्रवाल समाज जो बड़े लोग हैं, पटेल आपके जो बड़े यहां पे मजबूत लोग हैं, और एक ही बच्चा है, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अगर उसको कन्वर्ट कर दिया तो 500 करोड़ की प्रॉपर्टी भी हाथ में आ गई। गाजियाबाद में ईशांत जैन इकलौता लड़का, फैक्ट्री मालिक का लड़का, 1000 गज की कोठी, घर में कम से कम 5-7 गाड़ियां, 5-7 ड्राइवर, उसको उन्होंने गेम के जरिए टारगेट किया और उसको कन्वर्ट कर दिया। इतना उसको रेडिकलाइज कर दिया कि घर में नमाज पढ़ने लग गया। इतना रेडिकलाइज किया कि जब पिता ने डांटा तो हाथ उठा दिया उसने पिता के ऊपर। पिता ने धमकी दिया, तुम्हें घर से निकाल देंगे, बोले निकाल दो हम जा रहे हैं। तब जाके मजबूत, अदरवाइज कोई अपने बेटे के खिलाफ पुलिस पुलिस में नहीं जाता, खासतौर पर इकलौता लड़का। जैन समाज के लोग वैसे भी बड़े शांत प्रकृति होते हैं। तो अब उनका टारगेट रेडिकलाइज का, और वो कहां से गवर्न हो रहा था, पाकिस्तान से, पूरा पाकिस्तान से उसको इंस्ट्रक्शन आ रहा था कन्वर्ट करने का। तो मैंने अपना ऑर्डर दिखाया गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर साहब को, हमने कहा साहब धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और आप लोग गूगल करिएगा, कन्वर्जन इज ए थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, अश्विनी उपाध्याय, आपको 14 नवंबर 2022 का एक आपको पूरा डिटेल अखबारों में निकला हुआ है, हर एक अखबार में निकला है। तो उन्होंने धर्मांतरण कराने वाले उस व्यक्ति के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया। मैं कह रहा हूं ना कि हर समस्या का इलाज है, धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन राज्य सरकारें इनसे उपयोग नहीं करती हैं। अगर आपके गुजरात में कहीं धर्मांतरण हो रहा है, मुख्यमंत्री को लिखिए, सांसद को लिखिए, गृहमंत्री को लिखिए, जहां जहां जो कर सकते करिए, लेकिन धर्मांतरण कराने वालों पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगवाइए। और गाजियाबाद की पुलिस ने लगाया था, हाईकोर्ट मैटर गया, हाईकोर्ट ने अफर्म कर दिया कि हाँ एनएसए ठीक लगाया। तो अब इसलिए सबके लिए रास्ता खुल गया है कि अब पूरे देश की पुलिस एनएसए लगा सकती है। धर्मांतरण हमारे देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। देश की एकता अखंडता के लिए जो खतरे हैं उसे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, यूएपीए, जो एडवोकेट्स हैं उनको पता है यूएपीए। तो जो लोग धर्मांतरण कराते हैं उनके खिलाफ यूएपीए लगाइए। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, उसमें एक व्यक्ति कन्वर्जन नहीं कराता, पूरा सिंडिकेट होता है। कोई पैसा देता है, कोई जगह देता है, कोई बाइक उपलब्ध कराता है, कोई फीडिंग करता है, कोई लिटरेचर देता है, पूरा सिंडिकेट होता है। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए आपके गुजरात में एक कानून है, उसका नाम है गुजकोका, है कि नहीं? उसको महाराष्ट्र में मकोका है, आपके यहां गुजकोका है। गुजरात ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल उसका कानून का नाम है। तो आप लोग रिक्वेस्ट करिए, अगर आपके कहीं जिले में धर्मांतरण होता है, पुलिस कप्तान से मिलिए, उसको कहिए भाई आप गुजकोका लगाओ। धर्मांतरण एक इनडायरेक्ट वॉर है, अप्रत्यक्ष युद्ध है भारत के खिलाफ, क्योंकि धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है, धर्मांतरण से भाषा बदलती है, धर्मांतरण के बाद त्यौहार बदलता है, धर्मांतरण के बाद विचार बदलता है, धर्मांतरण के बाद वेशभूषा बदलती है, धर्मांतरण के बाद जीवन शैली बदलती है, धर्मांतरण के बाद भोजन बदलता है, सब कुछ, धर्मांतरण के बाद रीतियां बदलती हैं, धर्मांतरण के बाद प्रथाएं बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। धर्मांतरण एक वेज वॉर है, राष्ट्र के खिलाफ युद्ध है। इसलिए जो आदमी साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण कराता है उसके खिलाफ अभी एग्जिस्टिंग जो इंडियन पिनल कोड है उसमें एक सेक्शन 121 है, उसको वेज वॉर, और उसमें आजीवन कारावास और फांसी की सजा का प्रावधान है। तो अगर आपके गुजरात में कहीं धर्मांतरण हो रहा है, अपने कप्तान को पकड़िए, कप्तान नहीं माने तो कमिश्नर को पकड़िए, कमिश्नर नहीं माने तो गृहमंत्री को पकड़िए। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भाई,
ऐसे बैठे बैठे काम नहीं चलेगा, मेहनत करना पड़ेगा। पकड़िए उनको, बोलिए सेक्शन 121 लगाओ। और धर्मांतरण फंडिंग के जरिए होती है, जहां भी कहीं बाहर फंडिंग हो रही है, फंडिंग के जरिए अगर कोई क्राइम हो तो पुलिस के पास पावर होती है 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए। पुलिस के पास तो बुलडोजर चलाने की भी पावर होती है। आपके गुजरात में चल नहीं रहा है, चलवाइए। उत्तर गाजियाबाद पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले के खिलाफ एनएसए भी लगाया, धर्मांतरण कराने वाले की प्रॉपर्टी भी कुर्क कर दिया। तो अहमदाबाद में क्यों नहीं हो सकता, पाटन में क्यों नहीं हो सकता, कच्छ में क्यों नहीं हो सकता, भरूच में क्यों नहीं हो सकता? थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास करिए। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई। भारत में लोकतंत्र है, कानून का राज है, तो हर समस्या का इलाज कानून से ही करना पड़ेगा। आशा करता हूं आप सबकी समस्याओं का समाधान हो गया होगा। भारत माता की। सर माय नेम इज शैलेश ब्रह्मचत्री है। सर माय वन रिक्वेस्ट टू यू, सर वन क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड। सर सबसे पहले मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड से सहमत हूं, मैं यहां डिक्लेयर करता हूं। सर ये कोड 1840 में अंग्रेजों ने लाया, 1835 में फिर इंडिया में आया, और हिंदुओं के लिए 1941 में भी एक ट्राई किया हुआ था, तब तक भी कुछ नहीं हुआ जो आपने भी ऑलरेडी बता दिया है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है सर कि आर्टिकल 25-28 जो राइट्स है पब्लिक का, अगर ये कोड आ गया तो इसको आप कैसे डिफेंस करेंगे और कैसे इसको फेस करेंगे, क्योंकि ये तो राइट्स का प्रश्न है। 25-28 आर्टिकल इज अ वेरी डिफिकल्ट सर टू रिमूव इट फ्रॉम दी अवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो एज पर द कंसर्न ऑफ दिस माय क्वेश्चन, प्लीज सर क्लेरिफाई इट।